आज हमने करनी है बाउंड्री बॉस कमांड करेंगे और लॉफ्ट कमांड करेंगे, ठीक है। अभी हम प्लेन कमांड कर चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास कमांड है सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल टॉप 15 प्लेन, ठीक है। अगर ये नहीं देखी तो ये दोनों कमांडें करने में मुश्किल आएगी, इसलिए पहले ये वाला ट्यूटोरियल देख लेना। तो हमने करना है प्लेन लॉफ्ट बनाने के लिए। अभी देखो लॉफ्ट कमांड बंद है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे को पहले प्लेन बनाना पड़ेगा। तो हम प्लेन ले लेते हैं, कितने डिस्टेंस में चाहिए वो बता दो, तो कितने प्लेन चाहिए वो बता दो, नंबर ऑफ प्लेन बता दी, ओके करेंगे तो ये हमारे पास चार प्लेन आ गए, ठीक है। स्केच कमांड लेके चारों प्लेनों पे हमने जो अभी हमारे को स्केच रिक्वायर्ड है वो करेंगे। तकरीबन 7-8 तरीके का प्ले लॉफ्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं हम 7-8 तरीक़ों से, तो स्टेप बाय स्टेप सारी करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि बहुत सारे प्लेन हैं अगर मेरे पास, और सब पे हमारे को स्केच बना लेना है। दूसरे पे भी स्केच बना लो, डायमेंशन दे के बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, मेरे को तो पता है मैं क्या बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो अगर प्रैक्टिस करते हुए हम डायमेंशन दे देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। हम टाइम बचाना चाहते हैं इसलिए डायमेंशन हम नहीं दे रहे। तो हमने क्या किया, ये चारों प्लेनों पे हमने स्केच बना लिया, ठीक है। यानी अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके हम सेक्शन काट के देख सकते हैं, तो सेक्शन काटो और लॉफ्ट कमांड देखो एक्टिव हो चुकी है। तो सारे स्केच जो है, पहला स्केच, दूसरा स्केच, तीसरा स्केच और चौथा स्केच, ठीक है, और जितने मर्जी हो सकते हैं यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट एक दूसरे की सीध में होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई इधर को है तो वो ट्विस्ट कर जाएगा, तो इसलिए हमारे को ये सारे एक सीध में होंगे तो बढ़िया से लगेगा, ठीक है। अगर कोई भी बीच में से ऐसे घूम गया तो वो ट्विस्ट कर जाएगा, तो इसलिए ये सभी एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। कनेक्टर बोलते हैं इसको, कनेक्टर, ठीक है। तो ये सारों को एक डायरेक्शन में करके ओके करेंगे तो ये हमारा लॉक हो गया। किसी भी टाइम अगर हम प्लेन को चेंज करते हैं, प्लेन की हाइट चेंज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली शेप चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्केच बना हुआ है उस प्लेन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कभी भी किसी भी डायमेंशन को चेंज नहीं कर सकते। लॉफ्ट का फ़ायदा यही हो गया कि अगर मेरे पास कोई ऐसे बॉर्डर टाइप है, पॉट होते हैं जैसे, तो उसको हम यहाँ से भी काट लेंगे, यहाँ से भी काट लेंगे, यहाँ से भी काट लेंगे, यहाँ से भी, चारों प्लेनों से काट के हमारे पास सेक्शन भी जो आएगा, ठीक है। तो वो हम देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये शो कर दूँ अगर मैं स्केच, ये मेरा पहला स्केच, दूसरा स्केच, तीसरा स्केच और चौथा स्केच, ठीक है। तो यहाँ पे जो काटने के बाद हमारे को जो चीज़ नज़र आएगी, कोई भी चीज़ बनानी है हमारे को, कोई भी बॉटल हो गई, ठीक है, तो उसके लिए हमारे को ये काम आएगा। ये तो एक तरीके से था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरी ऑप्शन कह सकते हैं हम, कि अगर मेरे पास कोई ज़रूरी है, ये भी मैंने गोल बनाए थे सारे, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है गोल हो। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक साइड तो हम बना लेते हैं गोल, ठीक है, और सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, और दूसरी साइड हम बना लेते हैं स्क्वायर। अब जो क्रियो है, क्रियो में आप दो ऐसा नहीं कर सकते, एक साइड सर्कल हो, एक साइड रेक्टेंगल हो, ठीक है, उसमें हमारे को सर्कल को ब्रेक करना पड़ता है। तो जो सॉलिड वर्क्स है इसमें हमारे को लॉफ्ट कमांड के अंदर ब्रेक नहीं करना पड़ता, ठीक है। यानी कि जाए हम इस सेक्शन, इसको बोलते हैं पॉइंट्स, जितने मर्जी कनेक्टर पॉइंट हों, इसमें चार हैं सर्कल में कोई नहीं, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक साइड चार हैं या एक साइड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। एक और करके दिखाता हूँ मैं, इसी में कर लेते हैं, ठीक है। कल हमने जब स्वीप की थी तो उसमें हम गाइड कर्व ली थी, है ना, तो इसमें भी हम गाइड कर्व दे सकते हैं। इस लॉफ्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सॉलिडवर्क्स की एक खासियत ये भी है, अगर हम फीचर को डिलीट करते हैं तो उसके स्केच डिलीट नहीं होते,
कई सॉफ्टवेयर हैं जिनमें स्केच भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉलिडवर्क्स की खासियत है। तो हमने क्या करना है, एक सेंटर प्लेन पे एक गाइड कर्व बना लेते हैं। प्लेन्स को हाइड कर देता हूँ मैं, और यहाँ से सप्लाई ले, ठीक है। ये सप्लाई जो है इन सब के साथ जुड़ी होनी चाहिए। स्वीप और इसमें क्या फर्क है, स्वीप में एक स्केच और एक सेक पाथ है ना, सेक्शन जितने मर्जी हो सकते थे पर पाथ एक होता था। तो इसमें हमारे को पाथ की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ गाइड कर्व। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों पॉइंटों को, क्योंकि ये स्केच अलग उसमें बना हुआ है प्लेन पे, ये स्केच अलग बना हुआ है, तो हमारे को पियर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी अगर दो प्लेन हों अलग अलग जिन पे स्केच बना हुआ है, तो उनको अगर आपस में जोड़ना है तो पियर्स की कमांड होती है। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, पियर्स करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, पियर्स करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि साथ साथ कंप्यूटर खोल के प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, तो ही ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो बाद में भूल जाएगा। लॉट लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, सेक्शन सेक्शन, चारों सेक्शन हो गए। गाइड कर्व के अंदर हमने ये गाइड कर्व ले लेंगे, तो वो उस गाइड कर्व के अकॉर्डिंग जो है मूव कर जाएगा, ठीक है। तो सारे सेक्शनों से भी पास होता हुआ जा रहा है और गाइड कर्व भी, ठीक है। तो हम जो गाइड कर्व है हमारी, गाइड कर्व अभी हमने एक बनाई है, ठीक है। तो गाइड कर्व हम एक और बना लेते हैं, पीएस तो हमें करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा दूर रख लिया ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। वैसे सीधा भी उठाया जा सकता है, कंट्रोल दबा के पियर्स कर लो इसको, इसको कंट्रोल दबा के पियर्स कर लो इसको, और इसको पियर्स, सबको जुड़े होना जरूरी है, ठीक है। अगर जुड़ा नहीं होगा तो उसको पता नहीं लगेगा कि वहाँ पे सेक्शन है। तो फिनिश करते हैं, फिर से लॉक कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, ठीक है। तो देखो ये ऐसे बन रहा है। अगर मैं गाइड कर्व ले लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी फोटो बनी हुई है गाइड कर्व की, ठीक है। एक और गाइड कर्व चाहिए तो एक और गाइड कर्व, ठीक है। तो ये मेरा एक और प्रोफाइल बन गया, ठीक है। चाहे तो स्केच हाइड कर सकते हैं, बट हमारे को समझना था इसलिए, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ की डायमेंशन चेंज की जा सकती है। स्केच में जाओ, जो स्केच आपको चेंज करना है, ठीक है, 35, तो कभी भी चेंज किया जा सकता है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो भी खुल जाता है ये। तो डायमेंशन दे दो इसको 50 दे देते हैं, फिनिश। तो ये शेप उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है इसमें, अभी हमने ये किया था एक साइड सर्कल और एक साइड रेक्टेंगल, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई थी। पर अगर मैं एक और शेप बना के दिखाता हूँ आपको, कि अगर हम करेंगे एक साइड रेक्टेंगल, ठीक है, सॉरी एक्सट्रूड कमांड ले ली, एक्सट्रूड नहीं करना हमारे को, सिर्फ स्केच बनाना है, ठीक है। तो एक मैंने स्केच बना लिया, एक प्लेन और बना लेते हैं, थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, ठीक है। और इस प्लेन के ऊपर एक मैं बना लेता हूँ ट्रायंगल, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कॉर्नर पे क्लिक करने, डायमेंशन जितनी मर्जी हो सकती है, मैंने कहा फुली डिफाइंड हो जाए इसलिए हमने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। रेक्टेंगल ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, दोनों को, ठीक है। अगर हम लॉफ्ट करेंगे इसको तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको सिलेक्ट किया, लेग्स को सिलेक्ट, लॉफ्ट हो गया। बट इसकी अगर हम शेप ध्यान से देखें तो ये शेप में गड़बड़ हो गई, देखो, ठीक है ना। तो देखने में वो ठीक नहीं लग रहा हमारे को, तो इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, लॉफ्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, एडिट फीचर, ठीक है। एडिट फीचर में जाएंगे, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं कनेक्टर,
इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे लिखो शो ऑल कनेक्टर, शो ऑल कनेक्टर से सारे कनेक्टर आ जाएंगे ये देखो, ठीक है, जितने कॉर्नर होंगे सारे। अभी जो कनेक्ट ये वाला कनेक्टर मेरे को ऊपर चाहिए, इसको पकड़ के ऊपर कर दो, इसको पकड़ के, ठीक है, तो या फिर किसी कनेक्टर को हम डिलीट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कनेक्टर कर देते इधर वाला तो भी ठीक है। तो अब ये सही आ गया ना प्रोफाइल, ओके करेंगे तो ये मेरा ऐसे लॉक हो जाएगा, ठीक हो गया। एक और लॉफ्ट की ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, दो तीन और हैं, कई बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाने के काम आएगा, क्योंकि इसमें हमारे को सारी सारी ऑप्शन मिल जाती है, जो भी आपको वायर फ्रेम बना लो एक बार और तो उसके बाद उसको यूज़ कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्केच बनाता हूँ, एक सर्कल इधर बना लिया, ठीक है, एक मैंने बना लिया एलिप्टिकल शेप में, यहाँ बना लिया, ठीक है, आमने सामने बना लिया, और जो सेंटर वाला प्लेन है ये वाला, ठीक है, इन दोनों के सेंटर वाला, इसके ऊपर भी हम बना लेते हैं एक शेप, यहाँ बना लो एक शेप बना, ठीक है, डायमेंशन दे के बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया बनेगा। मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी बना के दिखा रहा हूँ ताकि बोर ना हो जाए बंदा। तो ये चार प्लेन मेरे पास, चार स्केच बन गए हैं ना, तो अब हम क्या करेंगे, लॉट लेंगे, इसको सिलेक्ट किया, ओके, इसको सिलेक्ट किया, ओके, इसको सिलेक्ट किया, ओके, इसको सिलेक्ट किया, ओके, देखो बनने लग गया ना। तो ये जो कनेक्टर है सबका एक ही डायरेक्शन में कर देते हैं हम, पास पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास क्लोज लॉट, अगर क्लोज लॉट कर देंगे तो ये क्लोज कर देगा, तो एक रिंग रिंग टाइप बन गया है ना, जैसे रिंग वगैरह होती है तो वैसी शेप बन गई, ठीक है, यानी एक सेक्शन हमारे को यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए और यहाँ से चाहिए। तो सारे सेक्शन अगर मेरे पास होंगे तो हमारी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्लोज लॉक बोलते हैं, क्लियर हो गया। एक लॉट, दो लॉट और है हमारे को वो जो जरूरी चाहिए होते हैं, एक है सेंटर लाइन पैरामीटर के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे हम स्वीप में कर रहे थे, स्वीप में हम क्या कर रहे थे, एक पाथ बना रहे थे, ठीक है, एक पाथ बना रहे थे। स्वीप में हमने क्या किया, ये कर्व सिलेक्ट की और ये पॉइंट सिलेक्ट किया तो प्लेन बन गया था। अब मैं क्या करता हूँ, प्लेन और बना लेता हूँ, क्योंकि लॉफ्ट में हमारे को मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं, है ना, तो इस प्लेन के ऊपर भी एक स्केच बना लेते हैं, ठीक है, और इस प्लेन के ऊपर भी हम एक स्केच बना, ठीक है, चाहो तो बीच में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर्व सिलेक्ट करनी है, पॉइंट सिलेक्ट करना है, प्लेन आ जाएगा उसके ऊपर स्केच बना लेना, ठीक है। मैं गोल बना रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, गोल जैसा मर्जी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लेन हम हाइड कर देते हैं, तो अगर मैं इसको करता हूँ लॉक, अभी देखो क्या होता है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट, तो ये शेप ऐसे आ रही है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर लाइन पैरामीटर ले लेता हूँ तो जैसी मेरी कर्व है उसके अकॉर्डिंग वो शेप मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है, ओके करेंगे। अब कल को मैं कभी भी सेंटर लाइन को चेंज करता हूँ कुछ भी, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ अगर मैं, ठीक है, और ये शेप ऐसे कर दूँ, ठीक है, फिनिश करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, वन चेंज,
अब वो सेक्शन जो है, जो एक्चुअली हमने प्लेन बनाया ना ये वाला जहाँ पे मेरा स्केच है, ये वाला एडिट स्केचिंग के लिए, तो ये उसके अकॉर्डिंग बन गया। क्योंकि ये जो स्केच जहाँ पे होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही बनना है। एक प्लेन हमारे पास ये है, एक प्लेन हमारे पास ये है, तो इस प्लेन को अगर मैं एडिट करूँ तो देखो अब वहाँ गया है वो एक्चुअली वो प्लेन नहीं एडिट हुआ था, ठीक है। तो हमारी कोई गलती नहीं थी, वो रीबिल्ड नहीं हुआ था। ये रीजनरेट का बटन है, ठीक है। अगर वो रीबिल्ड ना हो तो उसको खोल के एक बार ओके कर देंगे तो रीबिल्ड हो जाएगा। तो ये प्लेन जैसे जैसे मेरी कर्व होगी वैसे वैसे सेक्शन के अकॉर्डिंग बन जाएगा। यानी या कोई भी शेप हो उसमें हम दो तीन चार सेक्शन, जितने मर्जी सेक्शन हो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक लॉट और बताता हूँ बड़े काम का, बहुत ज़रूरी है। जो सपोज करो मैंने कोई चीज़ एक्सट्रूड कर ली, एक सर्कुलर शेप हो गई जैसे, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें सॉल्व होगी हमारे इस लॉट के अंदर, एक चीज़ और एक्सट्रूड कर ली मैंने, तो एक एक्सट्रूड के अंदर भी ऑप्शन और बताता हूँ। यहाँ पे होती है ऑफसेट, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑफसेट कर दूँ तो ये जस प्लेन पे मैंने स्केच बनाया उससे दूर जाने लग जाता है, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन भी लगा सकता हूँ, सेंटर लाइन पैरामीटर, बट बिना सेंटर लाइन के भी हो जाएगा। देखो लॉट लिया, अब मैंने कोई स्केच नहीं बनाया, मैंने सीधा इस सॉलिड की सरफेस सेलेक्ट कर ली, इधर से भी और इधर से भी। तो ये बड़ी चीज़ काम आएगी अब, कि हमारे को स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ एक्सट्रूड किया हुआ है तो उसकी सरफेस को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों साइड प्लेन आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है स्टार्ट कंस्ट्रेंट। हमने कहा जी हमारे को टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट टू फेस, यानी इस फेस के साथ टेंजेंट हो जाए, और एंड कंस्ट्रेंट में भी टेंजेंट हो जाए। तो दोनों साइड टेंजेंट कर दिया मैंने। अब कितनी वैल्यू देनी है वो, हम ज़्यादा टेंजेंट भी कर सकते हैं, कम टेंजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी हमारे को रिक्वायर्ड है उतना करके ओके कर दो। ब्लोअर वगैरह हो गई कोई चीज़ है ना, प्रेस वगैरह हो गई, वो उसमें काम आएगा ये। अगर मैं जैसे ये लॉफ्ट कर रहा था, जब मैं अगर मैं कोई किसी भी कमांड में जैसे लॉफ्ट में इवन एक फेस ये, एक फेस ये, और मैंने कहा जी टेंजेंट हो जाओ, ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट, और यहाँ पे ऑप्शन होती है हमारे पास थिन फीचर। अगर मैं थिन फीचर ऑन कर देता हूँ तो वो थिकनेस आने लग जाएगी इसके अंदर 1 mm की, ओके करेंगे। ये देखो ऐसे नहीं नजर आएगा, सेक्शन व्यू करके दिखाता हूँ, तो उतना पोर्शन जो है थिकनेस आ गई हमारे। अब ये थिकनेस बाहर वाली साइड आ गई, अगर थिकनेस की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो अंदर वाली साइड भी हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज कर लो तो अंदर हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। तो ये थी लॉफ्ट के अंदर, हमने किया सेंटर लाइन के साथ किया हमने, ये सेंटर लाइन पैरामीटर ही था, ठीक है। एक हमने किया क्लोज लॉफ्ट किया, ठीक है। एक हमने ट्रायंगल के साथ कनेक्टर अगर मेरे को जोड़ने हैं उसके साथ किया, एक मैंने अगर मेरे पास सर्कुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, पाथ है और गाइड कर्व है, ठीक है, तो दो ये हो गए। और एक लास्ट और मैं दिखाता हूँ बहुत ज़रूरी जो काम आएगा, वह लॉफ्ट कट। सपोज करो मैंने कोई ऐसे रेक्टेंगल बनाया, डायरेक्शन नीचे कर देता हूँ, थोड़ा तो जल्दी जल्दी बनाता हूँ। यहाँ पे एक स्केच बना लिया,
ट्रिम कर देते हैं। हाफ ही बनाया मैंने, ठीक है, और एक स्केच मैंने यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी फिलेट भी लगा देते हैं। और यहाँ पे भी स्केच बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भी बना देता हूँ। ये मैं जान के एक लाइन लगाई है और एक सब लाइन लगाई है, ताकि मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइन भी हो सकती है और सप्लाइन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसी भी शेप हो कोई फर्क नहीं है, जैसी भी शेप हो, ठीक है। यानी हमने इधर वाला सेक्शन बना लिया, इधर वाला बना लिया और पाथ भी बता दिया उसको। तो हम जाएंगे लॉफ्ट कट के अंदर, इसको सेलेक्ट करेंगे। पहला सेक्शन प्रोफाइल क्या है हमारी, दूसरी प्रोफाइल क्या है, और गाइड कर्व के अंदर एक गाइड करेंगे, ठीक है। जब जब भी एक स्केच के अंदर हमने दो बनाते हैं ना, तो ये विंडो आती है, तो पूछ रहा है जो आपने सेलेक्ट किया है वो चाहिए, क्लोज प्रोफाइल चाहिए, ओपन प्रोफाइल चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। हमने कहा जो हमने सेलेक्ट किया वो चाहिए, ओके, ठीक है। और दूसरी गाइड कर्व के अंदर ये कौन सी चाहिए, तो वो हुआ क्यों नहीं, क्योंकि मैंने अभी तुम्हारे को बताया कि जितना हमने सेलेक्ट किया, तो हमने यार को सेलेक्ट करना है ये कर, ताकि इससे पूरी सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। इससे सिर्फ जितना हमने सेलेक्ट किया वही चीज़ सेलेक्ट होगी, ठीक है। तो ओके कर दो, ओके कर दो। ये इधर से रेक्टेंगुलर है, इधर से सर्कुलर है, तो ये कमांड बहुत ज़्यादा काम आती है, कई जगह पे काम आएगी, ठीक है। तो तकरीबन 9 तरीके से हमने लॉफ्ट करके देखा है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो, लॉफ्ट की हेल्प में भी जा सकते हैं। यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करेंगे तो ये लॉफ्ट की सारी ऑप्शन आ जाएंगी यहाँ, ठीक है। ये गाइड कर्व के साथ बना के दिखाया उन्होंने, ठीक है। और ये सर्कुलर में, क्लोज में, ठीक है, तो ये सारी ऑप्शन है, हमने इससे ज़्यादा ही कर ली, तो उनकी हेल्प से तो हमने ज़्यादा ऑप्शन कर ली है, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक दोबारा देख लेंगे, अगर कोई भी नहीं समझ आएगा तो ये मेरा नंबर है, कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है कैम सॉल्यूशन डेवलपमेंट के नाम पे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो ये दोनों चैनल हमारे ही हैं, इनको सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी वीडियो मिल जाए। तो बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, इन सबको देखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है।